यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मदरा, जो कि मेरा फेवरेट है। तो आज मैं उसकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करूंगी कि मदरे को कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैं बनाऊंगी चटनी। चटनी तो नॉर्मली चटनी बन जाती है सबसे, लेकिन मैं कैसे बनाती हूँ वो शेयर करूंगी आपके साथ। तो आपको लेके चलती हूँ मैं किचन में। तो हाँ, आप देखिए कि मैं कैसे कैसे मदरे को बनाती हूँ। आप भी एक बार ट्राई कर लेना, बहुत टेस्टी बनता है। चने का भी घी डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर जो है मैंने चने को फ्राई करना है। वो भी व्हाइट वाले चने लिए मैंने। आप राजमा भी ले सकते हो, ब्लैक चने भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अपनी पसंद के व्हाइट चने रखे हैं। ज़्यादातर मैं इसी चने का ही पसंद करती हूँ। तो मैंने बॉयल कर दिया है सुबह। ये है बॉयल चने, ये मैंने सुबह बॉयल कर दिए थे। तो अब मैं इनको करूँगी फ्राई। तो ये मैंने फ्राई करने के लिए डाले हैं। थोड़ा डार्क आ रहा है क्योंकि लाइट नहीं है अभी यहाँ। तो ये चने मैं फ्राई कर रही हूँ घी के अंदर। इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद इनको निकाल देंगे हम। तो मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी बहुत तेज़ आ गए तो जल्दी से बन रहा है सब कुछ। तो मैं थोड़ा कैमरा को डाउन कर देती हूँ। फ्राई का बता दिया कि आपको इनको फ्राई करना है पहले। ये मैंने घी में खड़क मसाले डाल दिए, थोड़ा सा प्याज वगैरह डालूंगी। प्याज के बिना भी बन सकता है, लेकिन मैं प्याज फ्राई कर प्याज डाल के बनाती हूँ। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज, बस काफ़ी है। और ये मैंने डाला आलू। अभी हमें हो गए पूरे 15 मिनट। 15 मिनट और इसको हिलाते रहना है। जो ये दूध है ना, ये जो दही, इसको हमने हाफ हाफ करना है। मतलब इतना गर्म करना है कि हाफ हो जाए। तो इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ये फटना नहीं चाहिए, इसको हिलाते रहना है। ये लकड़ी का हो करछी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने ये लकड़ी का डंडा लाया है, उससे कर रही हूँ। डंडे से तो यहाँ करछी अवेलेबल नहीं थी, तो ये बनाया है तो इससे कर रही हूँ। तो ये मैंने हिलाना है तब तक जब तक इसमें बहुत अच्छा मतलब खुशबू आएगी, यहाँ से इलायची की खुशबू आएगी, दही की आएगी। तब तक इसको हिलाते रहना है। थोड़ा टाइम लगता है बट रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी बनता है। अब एक बार ट्राई कर लेना, हमें तो बहुत पसंद है, मुझे और अक्कू को। आज किचन में मेरे साथ अक्कू है। और अब मैं इसमें चने डालने जा रही हूँ। देखो ये कितना यहाँ तक था, आप देख सकते हो ये लाइन यहाँ तक था और इतना बना। तो अब हम इसके अंदर ये चने डालेंगे। खुशबू भी अच्छी चल रही है। अब जो ये चने ये हमने फ्राई करके रखे थे घी में, तो इनको मैं डालने जा रही हूँ। और ये डाल दिए मैंने, इनको मैं अब मिक्स कर रही हूँ। अब इनको कोई 15 मिनट तक पकाएंगे और फिर बस हो गया। जो मदरा है बिल्कुल तैयार है। इसको हम एक चीज़ डिफरेंट करेंगे, जो मैंने अम्बल में किया था वो इसमें करूँगी। ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट जो ये होता है ना, ये लोहे का स्पैचुला, इसमें डालने से गर्म करके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्यों ना इसको एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए मैं स्पैचुला इसमें डालूंगी। मैंने गर्म करने के लिए डाला है, देखो आप देख सकते हो। और अब मैं इसको निकालती हूँ यहाँ से। कहाँ ये रहा, ये बिल्कुल लाल हो गया, देखिए। और हम इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा डर लगता है पीछे। ये जो होता है ना, ये चीज़ बहुत टेस्टी बना देती है। तो मैंने इसमें भी स्टार्ट किया। ये ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ अम्बल में डाल सकते हैं, इसमें भी तो डाल सकते हैं। दिस इज अमेजिंग थिंग, आई लाइक मोस्ट। ये हो गया ठंडा एंड हमारा जो मदरा है वो रेडी हो गया। तो अब इसको मैं जो है कवर्ड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी, पहले ही टेस्टी बन गया। तो अब इसमें ये स्पैचुला का मैंने गरम स्पैचुला इसमें डाला, तो और ज़्यादा टेस्टी हो गया। इसका टेस्टी बहुत ज़्यादा, देख लेंगे इतना टेस्टी। एंड हमारा मदरा जो है तैयार हो गया है। ये है धनिया,